Hello everyone. In our previous lecture, we discussed about the some basic concept of chemistry, and we want to learn about the mole concept. But before the mole concept, we need to different type of masses. Mole concept को समझने के लिए हमारे पास कुछ different masses दे रखे हैं. उन masses को समझना जरूरी है. जो different type of mass word use किया जाता है वो कौन कौन से है देखिए. एक तो आपके पास है क्या, एटॉमिक मास. नेक्स्ट आपके पास है रिलेटिव एटॉमिक मास. एंड नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मास. एंड अनोदर वन इज द मोलर मास. एंड अनोदर वन इज द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड ऑल्सो इज द एवरेज मास. If you want to consider about the mole concept, यदि मैं mole concept के बारे में बात करूँ तो mole concept से पहले मेरे को ये different type of masses का पता होना चाहिए. भाई इनमें क्या similarity है, क्या dissimilarity है, एक दूसरे से कैसे different है. Atomic mass, relative atomic mass, molecular mass, molar mass, gram atomic mass, gram molecular mass and average mass. Is that clear? तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इन सभी terms को explain करेंगे. ये कहाँ से आए हैं, इनका कहाँ से जनरेशन है, और किस किस जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है. तो अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास. टुडे इज आवर टॉपिक इज द एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास. इज दैट क्लियर. ये अपना आज का टॉपिक है. इसके बारे में अपन बात करें तो देखो, जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास ये कोई बॉडी है, इसमें ए बी एंड सी तीन पार्टिकल है, एंड द रिमेनिंग स्पेस, रिमेनिंग इज द वैकेंट स्पेस. ये तीन पार्टिकल है, बाकी सब इस जो बॉडी है इसके अंदर क्या है, वैकेंट स्पेस है. सपोज मास ऑफ ए इज 1 kg, एंड मास ऑफ बी इज द 2 kg, एंड मास ऑफ सी इज द 3 kg, देन व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दिस बॉडी. देन यू से इट इज द टोटल मास ऑफ दिस बॉडी इज द मास ऑफ ए, मास ऑफ बी एंड मास ऑफ सी. तो आप क्या करोगे, तीनों के मास को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. सेम यही फंडा हम किसके बारे में अप्लाई करेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट द एटॉमिक मास. सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास से भी पहले अपन किसको डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहे हैं. यदि देखो एटॉमिक मास की यदि मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूँ, व्हाट इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की यदि वेरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन बात करें तो ये क्या है, मास ऑफ एन एटम. क्या है ये, मास ऑफ एन एटम. क्लियर. जनरली ये मास ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक मास. एंड वी नो दैट एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट. So we can say the atom consist of proton, neutron and electron. Then what is the mass of atom? इस बॉडी से आप कंपेयर करो, इस बॉडी में थ्री पार्टिकल थे तो थ्री पार्टिकल्स के मास को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. मैं जब बात करूँ इस बॉडी की जो कि एक एटम है जिसका जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन प्रेजेंट है. देन मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम, यानी कि मैं बात करूं यदि किसकी एटॉमिक मास. इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये वेरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया गया. हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या क्या है वास्तव में, हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे. क्लियर. मैं बात करूं यदि किसकी इस बॉडी की जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एटम. इस बॉडी में कितने पार्टिकल है, प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो आवर मॉडर्न डेफिनेशन सेज दैट द सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. भाई इन तीनों पार्टिकल का जो मास होगा वही तो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास के इक्वल होगा. इज दैट क्लियर. अब यदि अपन बात करते हैं तो देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है. मैं ऐसा नहीं कर रहा कि एग्जैक्ट इक्वल ही है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल है. बट द मास ऑफ प्रोटोन इज 1840 टाइम ऑफ 1804 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन कितना है इलेक्ट्रॉन के मास का, 1840 टाइम्स है। इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा लाइटर पार्टिकल है देन कंपेयर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं इट ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स ये लाइटर है देन प्रोटॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसमें से क्या करते हैं अपन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एटॉमिक मास है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन से ही डिफाइन किया जाता है, हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं ऐड करते। बट दिस इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ एटॉमिक मास। भाई क्लियरली हमें पहले से ही पता है मेरे पास यदि कोई भी एटम है उस एटम के अंदर तीन पार्टिकल हैं तो तीनों पार्टिकल का मास का जो ऐड होगा तभी तो एटॉमिक मास आएगा, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे लेकिन न्यूट्रॉन का जो सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो प्रोटॉन के मास से ऑलमोस्ट 2000 टाइम कम है, क्लियर। तो इस मास को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, यही वजह है कि एटॉमिक मास है वो केवल मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम से ही दिखाया जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना गया है, नेगलेक्ट माना गया है, क्लियर। ये थोड़ी सी एटॉमिक मास के बारे में अपन ने कहानी कही है। अब देखिए जैसे अब एटॉमिक मास को हम धीरे धीरे उस लाइन पर जाएंगे जहां से एटॉमिक मास को क्या किया गया, डिफाइन किया गया है, भाई व्हाट इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर। जैसे मान लीजिए आज मार्केट में से मेरे को 1 किलो चीनी खरीदनी है तो अपने दुकानदारों के पास 1 किलो का बाट रखा है, क्लियर, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर है। मतलब जब कभी भी मेरे को वेट कंपेयर करना है तो मैं इसी के साथ कंपेयर करूंगा, मेरे से 1 किलो के 2 किलो के 5 किलो के बाट से कंपेयर करूंगा। अब मेरी बात सुनो, ये कैसे बनाया गया होगा स्टैंडर्ड पैरामीटर, भाई आपको एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है। तो जैसे आज आपको वेट डिटरमाइन करना है तो आपके पास 1 किलो का बाट है, 5 किलो का है, 2 किलो का है, आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपके पास कोई रोड है जिसकी लंबाई क्या फिक्स कर दी गई है, 1 मीटर फिक्स कर दी गई है। ये यूनिट किस तरह से बनाई गई होगी, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर कैसे डिजाइन किया होगा, उसी की बात करें हम। और ये सारी कहानी हमारी किससे रिलेटेड है, इस एटॉमिक मास से रिलेटेड है, घूम फिर के ये कहानी यहीं आने वाली है, आप इसको देखिए। देखिए भाई मैं आपसे पूछूं 1 kg क्या है, ठीक है, तो मेरी बात सुनो भाई, ये वेट को डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर है, भाई कैसे बनाया गया होगा स्टैंडर्ड पैरामीटर, क्या कहानी रही होगी स्टैंडर्ड पैरामीटर की। देखिए सपोज मेरे पास एक ये सिलेंडर है, आई हैव ए सिलेंडर एंड डज नॉट नो अबाउट द मास ऑफ दिस सिलेंडर, और मेरे को इसके मास का पता नहीं है कि इसका कितना मास होगा, क्लियर। लेकिन मेरे पास ये एक सिलेंडर है और मेरे को कोई भी वेट कंपेयर करना होगा तो मैं इसी सिलेंडर से ही कंपेयर करूंगा, क्लियर। अब जैसे सपोज मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन के अंदर आ जाइए, एक ये बैलेंस मशीन ले लीजिए आप, क्लियर, और ये लीजिए इसको आप यहां से पकड़ सकते हो। अब सपोज करो कि आपको क्या करना है, एक बॉक्स है आपके पास, आपको इसका मास कैलकुलेट करना है, और एक मान लीजिए आपके पास क्या है, एक एलिफेंट है, ठीक है, इसका मास कैलकुलेट करना है। आपने क्या किया, इस बॉक्स को उठा के यहाँ रख दिया, क्लियर, और मेरे पास एक सिलेंडर था जिसका वेट था मुझे पता नहीं था, और मैंने क्या किया ये सिलेंडर यहाँ रखना चालू किया। सपोज करो कि मैंने यहाँ क्या रखे, 4 सिलेंडर रखे, तो मैं क्या कहूंगा, मास ऑफ बॉक्स इज द 4 टाइम्स ऑफ दिस सिलेंडर, क्लियर। मैं क्या कहूंगा, मास ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, इज दैट क्लियर, कि ये जो सिलेंडर का मास सिलेंडर के मास से कितना गुना ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा है, क्लियर। एलिफेंट को कंपेयर किया, मान लीजिए एलिफेंट को अपन यहाँ रख देते हैं, और मान लो कि आपको कितने सिलेंडर रखने पड़े, 1200 सिलेंडर रखे, तो आप क्या कहोगे, मास ऑफ एलिफेंट इज द 1200 इंटू मास ऑफ सिलेंडर, क्लियर। या टाइम्स की जगह यहाँ भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, मेरे को किसी का भी मास कैलकुलेट करना है, मान लीजिए किसी और का मैं मास कैलकुलेट करूँ तो वह क्या है,
टेन इंटू मास ऑफ दिस सिलेंडर, मान लीजिए मैं और किसी का मास कैलकुलेट करूँ, मान लो वो कितना है 15 टाइम्स ऑफ दिस सिलेंडर। अब देखो बार बार मैं लिख ही नहीं रहा क्या मास ऑफ दिस सिलेंडर, ये जो मास ऑफ सिलेंडर है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलो क्या करते हैं, इस सिलेंडर की जो मास है उसकी क्या कर देते हैं, अपन एक यूनिट बना देते हैं। सपोज आज से भाई, मान लो किसी साइंटिस्ट ने डिसाइड कर दिया कि आज से ये क्या है 1 kg है, आज से क्या है ये 1 kg है। तो अब मेरी बात सुनो, अब बार बार आप क्या लिख रहे थे, मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर एंड मास ऑफ सिलेंडर। तो मास ऑफ सिलेंडर की जगह आपने एक यूनिट डिटरमाइन कर दी, इस तरह से यूनिट बनाई गई होगी, क्लियर। इट मीन्स अब मास ऑफ बॉक्स कितना आया आपके पास 4 kg, मास ऑफ एलिफेंट कितना आया 1200 kg, ये कितना आया आपके पास 10 kg, ये कितना आया आपके पास 15 kg। इज दैट क्लियर, इस तरह से यूनिट एग्जिस्टेंस में आई होगी, क्लियर। जैसे सपोज किसी की लेंथ मेजर करनी है तो किसी ने ये रोड बनाई होगी और कहा होगा क्या आज से ये क्या है 1 meter है, क्लियर। और इसके रेस्पेक्ट में आपने क्या करते गए, यूनिट डिटरमाइन मतलब लेंथ को डिटरमाइन करते गए। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक तो आपने यूनिट बनाते समय इसको कितना लिया है 1 kg लिया है, इस सिलेंडर का जो मास है वो कितना लिया 1 kg लिया। आपने इसको 2 kg 3 kg 4 kg नहीं लिया। 1 kg लेने का फायदा क्या है, आवर ओरिजिनल वैल्यू डज नॉट इंटैक्ट। भाई आपने इसको 1 kg लिया है तो इसका जितना मास था ना 4, तो ये 4 ही दिखा रहा है 4 kg, मतलब ओरिजिनल वैल्यू अनअफेक्टेड है, इंटैक्ट नहीं भी है। नहीं तो मान लो कि ये मान लिया जाता कि आज से ये कितना है 2 kg है, तो हमारे पास ये कितना आता, मल्टीपल में आता 8 आता, ये 2400 आता, 2400 आता, ये 20 आता, 30 आता। तो यूनिट बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ओरिजिनल वैल्यू इंटैक्ट नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। अब देखो मैं क्या, मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे को आज से कभी भी मास निकालना है तो ये सिलेंडर का जो मास था उसको क्या एज्यूम किया आपने 1 kg, तो मैं ऐसा कह सकता हूं दिस 1 kg इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर, दिस 1 kg इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर व्हेन आई कैलकुलेट द मास ऑफ एनी बॉडी। मैं किसी का भी मास कैलकुलेट करूंगा तो मेरी इस स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करूंगा, उसको कंपेयर करूंगा। जब भी मेरे को किसी की लेंथ निकालनी है तो मेरे लिए ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मैं इससे क्या करूंगा, उसको कंपेयर करूंगा, क्लियर। इज दैट क्लियर। अब मेरी बात सुनो, आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो इसके लिए भी आपके पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट होगी। इज दैट क्लियर। आपको जब कभी भी एटॉमिक, अब मतलब सेम फंडा, सेम यही क्राइटेरिया, सेम यही फंडा अप्लाई करते हैं अपन जब क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। इज दैट क्लियर। भाई मेरे को कभी भी क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। यहां से मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चाहे लेंथ किसी की मेजर करो, किसी का मास मेजर करो, किसी का वॉल्यूम करो, तो उसका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाया हुआ है और उसी के साथ ही क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जब आप लेंथ मास वॉल्यूम इस तरह से डिटरमाइन करते हो तो एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो क्या है, एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो क्या है, वो है आपके पास 1/12 इंटू मास ऑफ 1 atom ऑफ कार्बन 12। इज दैट क्लियर। दिस इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर फॉर द एटॉमिक मास। आप किसी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे तो इस अमाउंट से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे आप अभी सिलेंडर के मास को स्टैंडर्ड माना और आप ये कहते 4 times ऑफ दिस सिलेंडर एंड द मास ऑफ दिस इज द 1200 times ऑफ दिस सिलेंडर। अब इस तरह से ये आपके पास एक यूनिट बनने जा रही है, या मैं ऐसा कह रहा हूं ये आपके पास क्या है, एक ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है और उसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास। लेट्स सी, मास ऑफ 1 atom ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, मास ऑफ 1 atom ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 atom ऑफ सल्फर। जैसे मान लीजिए मेरे को ऑक्सीजन सोडियम एंड सल्फर का मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना होता है, देखो अब
पहले तो ये वैल्यू कैलकुलेट की भी नहीं थी, आज के टाइम पर तो ये वैल्यू आपको दी गई है, हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना, बस इसी को कंपेयर करना है। देखो ऑक्सीजन के बारे में अपन जानते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए और भी यदि मैं पीछे जाऊं तो मेरे को क्या करना होता है, 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर, ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ रहेगा, और 8 प्रोटॉन है तो 8 को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑलमोस्ट गिव्स द, ये कितना आएगा आपके पास 16 आता है, आप जानते हो सोडियम का 23 आता है और सल्फर का कितना आएगा 32, लेकिन ये क्या आता है वास्तव में 16 × 1/12 × mass of 1 atom of carbon 12, इज दैट क्लियर, ये कितना है 23 × 1/2 × mass of 1 atom of carbon 12 है, दिस इज 32 एंड दिस वैल्यू। देखो थर्ड टाइम तो मैंने इसको लिखा ही नहीं, अब आगे भी लिखूंगा तो मैं इसको बार बार ऐसे ही लिखता जाऊंगा। दिस इज आवर स्टैंडर्ड पैरामीटर एंड दिस, अब स्टैंडर्ड पैरामीटर, अब वो टाइम आ गया है जब स्टैंडर्ड पैरामीटर को क्या कर दें अपन, एक यूनिट बना दें, एंड दिस इज कॉल्ड द AMU, ये क्या है एटॉमिक मास यूनिट है, क्या है ये एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पर AMU, देन मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, इट इज द 16 AMU, इट इज द 23 AMU एंड इट इज द 32 AMU, इज दैट क्लियर। यानी कि आपको कभी भी वन एटम का मास बताना है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, सल्फर, तो आपको क्या करना होगा, उसको इस स्टैंडर्ड पैरामीटर के साथ कंपेयर करना होगा, और इस स्टैंडर्ड पैरामीटर को आज से अपने एक यूनिट बना रहे हैं, वो क्या है एटॉमिक मास यूनिट, इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास क्या था, एटॉमिक मास को डिफाइन करने का तरीका है, क्लियर। अब यदि मैं एटॉमिक मास की एक्चुअल डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या है, इट इज ए नंबर विच टेल अस देन एन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास हमें यह बताता है कि एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना टाइम हैवियर है, इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास किसकी कहानी थी, एटॉमिक मास की कहानी थी। देखिए उस टाइम तक, जैसे हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं जब ये एटॉमिक मास डिफाइन किया गया था, आपके ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो क्या है, 1 AMU है, जिसको आपने क्या कर दिया, आज से एक यूनिट बना दिया। ये क्या बताता है, 1/12 × mass of 1 atom of carbon 12। ये कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट लेना है। देखिए उस टाइम तक आपके पास क्या नहीं था, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है नहीं था, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब कुछ सालों पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमीटर के यूज से मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कैलकुलेट किया गया। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे छोटे से छोटे पार्टिकल्स के मास को क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। सिंस स्पेक्ट्रोमीटर, यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1.992648 × 10⁻²⁰ ग्राम। क्लियर, कार्बन के एक एटम का मास आज हम निकालने में कैपेबल है, वो कितना होता है, 1.992648 × 10⁻²⁰ ग्राम, इज दैट क्लियर। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, आप क्या कर रहे हो, ये वैल्यू पुट करके हम 1 AMU की, 1 AMU का क्या जानना चाह रहे हैं, अमाउंट जानना चाह रहे हैं कि डिजिट कितना होगा। इट इज द 1/12 × 1.992648 × 10⁻²⁰ ग्राम।
देन इट गिव्स द 1.6 इंटू 10^-24 ग्राम। यानी कि आज अपने पास 1 AMU की वैल्यू प्रेजेंट है। क्लियर। सो अब आप एक एटम के मास को AMU में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो आप कब AMU का यूज करोगे, AMU का यूज कब करना है, व्हेन यू डिफाइन द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। क्लियर। आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, आपने बताया था कितना, 23 AMU, और वी कैन राइट इट 23 × 1.66 × 10^-24 ग्राम। इज दैट क्लियर। यानी कि आज हम कैपेबल हैं क्या बताने में, एक एटम का मास बताने में AMU में और ग्राम में भी। एक बात आप क्लियरली ध्यान रखोगे कि AMU कब यूज करना है, व्हेन यू डिफाइन द मास ऑफ वन एटम। आप एक एटम के मास को डिफाइन करते हो तब ही क्या लगाओगे, AMU लगाओगे। इज दैट क्लियर। और आज हम कैपेबल है कि हम क्या कर सकते हैं, AMU की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस गिव द 1.6 × 10^-24 ग्राम, इट मीन्स वी आर ऑल्सो केपेबल टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। एक एटम के मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करने में केपेबल हैं। क्लियर। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट है वो क्या है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होता है, 1/12 × मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इज दैट क्लियर। और स्पेक्ट्रोमीटर के यूज से आज हमने पता लगा लिया, कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर कि कार्बन के वन एटम का मास इतना होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट किया, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द 1 AMU विच इज द 1.6 × 10^-24 ग्राम। इज दैट क्लियर। इसका मतलब हम एक एटम का मास AMU में भी बता सकते हैं और ग्राम में भी बता सकते हैं, दोनों सिचुएशन हमारे पास प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये तो बात हो गई किसकी, एटॉमिक मास के बारे में। अब बात करेंगे किसके बारे में, अपन रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास क्या है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को कंपेयर करूँगा मैं। क्लियर। देखिए ये जो वर्ड है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब एक का दूसरे के रेस्पेक्ट के अंदर बात कर रहे हैं। हम सीधा रिलेटिव एटॉमिक मास पे नहीं जाएंगे, पहले क्या करेंगे, अपन को एग्जांपल लेंगे। सपोज मेरे पास दो बॉडी है ए एंड बी, इसका जो मास है वो कितना है, 10 kg है, इसका जो मास है वो कितना है, 100 kg है। ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी। क्लियर। और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या, मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए। क्लियर। मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी निकालने के लिए क्या करोगे, ए का मास लो और उसको किसके रिलेटिव निकालना है, बी के। तो आप लिखोगे मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी, इट मीन्स इज द 10, इट इज द 100। क्लियर। और ये भी किसके अंदर था, केजी में, ये भी किसके अंदर था, केजी में। इसका मतलब ये हो गया, एक तो रिलेटिव मास क्या होता है, यूनिट लेस होता है, क्या होता है, यूनिट लेस। रिलेटिव रिलेटिव मास होगा चाहे से कोई सा ही हो रिलेटिव, उसका क्या नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी। और ये जो डिजिटिव है ये कितना है, 1/10। तो मैं आपसे पूछूं मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या है, तो आप क्या कहोगे, 1/10 है। मैं आपसे पूछूं मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए क्या है, तो वो क्या है आपके पास, मास ऑफ बी एंड मास ऑफ ए, इट इज द 100, इट इज द 10, इट इज द 10। क्लियर। और ये यूनिट लेस होगा। तो ये एक सिंपल वे है रिलेटिव बॉडी का मास कैलकुलेट करने के लिए। आपको क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर। एंड यू नो दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। क्लियर। AMU बताएंगे। अच्छा, हम किसके रिलेटिव निकालेंगे, हमारी जो स्टैंडर्ड पैरामीटर था मास का। देखिए मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए। अभी जैसे आपके पास दो बॉडी थी ए एंड बी, तो आपने क्या किया, व्हाट इज द मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी, व्हाट इज द मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो किसके, जिसका निकाल रहे थे उसको तो ऊपर रखा,
और जिसके रिलेटिव निकाल रहे थे उसको किधर रखा? नीचे रखा। हम किसके रिलेटिव निकालेंगे? हमारे स्टैंडर्ड जो पैरामीटर है उसके रिलेटिव निकालेंगे। और आपका स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या था? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इज दैट क्लियर? इसी के रेस्पेक्ट में तो निकालेंगे अपन। और किसका निकालना है? जैसे मान लीजिए मेरे को ऑक्सीजन का निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस मैं यहां क्या लिखूंगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन के 1 एटम का मास लिखूंगा। और किसके रिलेटिव निकालने जा रहा हूं मैं? मेरी स्टैंडर्ड पैरामीटर यूनिट जो मैंने बनाई थी उसी के रिलेटिव निकालने जा रहा हूं। एंड यू नो दैट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 amu। एंड यू ऑल्सो नो दैट वाट इज दिस 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, इट इज ऑल्सो द amu। amu टू amu कैंसिल आउट, देन इट गिव्स द 16 एंड इट इज द यूनिट लेस। क्लियर? तो ये तरीका है आपका रिलेटिव एटोमिक मास निकालने का। सपोज मेरे को क्या निकालना है? रिलेटिव एटोमिक मास ऑफ सोडियम निकालना है। देन वी नो दैट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम विच इज द 23 amu। एंड आवर स्टैंडर्ड पैरामीटर इज द 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इट इज द amu। amu टू amu कैंसिल, दैट इज द 23। क्लियर? और ये हो गया आपका क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में कंपेयर करेंगे। क्लियर? देखिए एक तो आपके पास क्या है? एटॉमिक मास है। क्लियर? एक मेरे पास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास ये किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा? amu में। और ये क्या है आपके पास? यूनिट लेस। क्लियर? जस्ट सपोज मैं ऑक्सीजन के लिए दो पॉइंट लिख सकता हूँ, एक तो मैं लिख सकता हूँ 16 amu और एक लिख सकता हूँ मैं 16। तो आप क्या डिफाइन करोगे इन दोनों के लिए? देखो 16 amu लिखा है, ये तो क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको भाई बिल्कुल, ये क्या है? एटोमिक मास भी है। क्या है? एटोमिक मास भी है। लेकिन आप इसको मतलब बार बार एटॉमिक मास नहीं बोल करके हमेशा यही वर्ड काम में लो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? क्योंकि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के काम में आएगा 16 amu। और ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? दिस इज आवर कॉन्सेप्ट अबाउट द एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द वी डील्स विद द मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।